राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में जन जागरण अभियान के तहत अध्यक्ष दुर्ग विजय की अध्यक्षता में चकबंदी ऑफिस में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया कि तहसील ब्लॉक का गठन 15 जून से 15 जुलाई तक करना है, जिसको देखते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में सदर तहसील के पदाधिकारियों का निर्विरोध चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी चंद्रभान प्रसाद को अध्यक्ष, सिंचाई विभाग के कर्मचारी शैलेंद्र कुमार भाटी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं चकबंदी विभाग के कर्मचारी रवि प्रकाश गुप्ता को मंत्री तथा मनोज कुमार पांडे को कोषाध्यक्ष, राम प्रसाद को चेयरमैन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सोन बाला सोनकर को महिला मोर्चा का अध्यक्ष, प्रताप कुमार को संगठन मंत्री एवं सचिन कुमार को मीडिया प्रभारी बनाया गया। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय, बी सिंह, कृष्ण मोहन पांडे, राजेश मिश्रा, श्वेता सिंह, सुषमा कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा, पांडे जी से अपने शब्दों से धन्यवाद। आप साथियों, जैसा हम देख रहे हैं कि हम लोग का उसको सरकार निरंतर आगे बढ़ाती जा रही है, तो दिन दूर नहीं है, आप लोग बैठे रहेंगे और केवल अपना काम करेंगे। अब समझ जाएंगे केवल दुर्विजय जी का और राजेश मिश्रा का काम है, जो सब मैं दुर्ग विजय, जिलाध्यक्ष राज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। हमारे तहसील स्तर के पदाधिकारियों का गठन भी करना था, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों का भी गठन करना था, उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर पदाधिकारियों का गठन किए हैं, जिसमें अध्यक्ष और मंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संरक्षक, संप्रेक्षक, ऑडिटर सबका मतलब अधिवेशन कम से कम 9 लोगों का गठन किया गया है, जिसमें सारे पदाधिकारी हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष आदरणीय सोनकर बालाजी हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन भी कर रहे हैं कि हमारे सभी कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगा करके जो कोरोना में काम किए हैं, ये इतनी महंगाई बढ़ गई कि हम समझते हैं कि तेल से लगाया और दाल चावल तक देखा जाए तो महंगाई कितनी चरम पर बढ़ती जा रही है, और हमारी सारी सरकारों ने डीए देने का काम किया है, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि हम मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा या केंद्रीय कर्मचारियों के अभी तक जो सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है कि हमेशा जुलाई में घोषणा कर दी जाती है, लेकिन अभी तक डीए का कोई घोषणा नहीं किया जा रहा है। मेरा पुनः एक बार संगठन की तरफ से निवेदन है आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वह कल पहली तारीख है, हम लोग ज्ञापन भी देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को, और पुनः निवेदन कर रहे हैं कि पहली तारीख आते आते वो डीए की घोषणा और पुरानी पेंशन बहाली के लिए कुछ न कुछ योजना बना करके वो घोषणा कर दें।